हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों, बिहार एनएचएम के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिजल्ट फाइनली वेबसाइट पे यहां पे आ चुका है। आप सभी लोगों को अपना रिजल्ट यहां पे चेक कर लेना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यहां पे निकाल दी गई है, जिन कैंडिडेट्स को यहां पे चयन मिल चुका है। और देखिए, आप सभी लोग को बताना चाहता हूं किस बेस पे आपको यहां पे सिलेक्शन मिला है, ये जानकारी आपको यहां पे ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन दूंगा प्रूफ के साथ। और दोस्तों, यहां पे देखिए लिस्ट की ओर भी मैं आपको यहां पे ले चलूंगा, इन्फॉर्मेशन इसमें यहां पे क्या रहने वाली है ये भी आपको यहां पे जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को यहां पे लाइक कर देना है। दिल से इस वीडियो को यहां पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहां पे पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी जानकारी अब आपसे यहां पे ना छूटे, अभी हमारे चैनल को यहां पे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब करें, बटन को यहां पे क्लिक कर लें, आगे आने वाले हर एक अपडेट्स की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को। और यहां पे देखिए, सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं, किस आधार पर आपको यहां पे सिलेक्शन मिला है और यहां पे क्राइटेरिया यहां पे क्या रखा गया है मेरिट लिस्ट में, जो कैंडिडेट्स के नाम यहां पे जोड़े गए हैं। तो इसके लिए देखिए, नोटिस आपको यहां पे दिया गया है और इस नोटिस को मैं यहां पे ओपन करके आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस मैंने यहाँ पे वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है और इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। और दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। और देखिए, एनएचएम बिहार द्वारा ये आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना आपको यहाँ पे दी जा रही है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती का देखिए विज्ञापन क्रमांक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है और दो पैराग्राफ के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ यहाँ पर दी गई है। लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 5/2020 PR नंबर इतना के द्वारा NHM अंतर्गत सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के लिए GNM या फिर BSc नर्सिंग के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किए गए हैं। विज्ञापन में फाइनल सिलेक्शन का आधार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों के प्रावधान यहां पे किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन जो यहां पे दी जा रही है, NHM के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए BSc नर्सिंग और GNM वाले कैंडिडेट को जो है यहां पे बोला गया था कि आवेदन आप सभी लोगों को यहां पे करना है और यहां पे आवेदन प्राप्त किए गए। और देखिए, बोला गया था आप सभी लोगों को कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहां पे होने वाला है और इसके लिए आपको यहां पे ऑनलाइन एग्जाम यहां पे देना होगा और फिर आपकी जो है यहां पे मेरिट लिस्ट यहां पे बनेगी। अब देखिए, यहां पे इंस्ट्रक्शन यहां पे आ चुके हैं, नीचे की तरफ यहां पे जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है COVID-19 वैश्विक महामारी या फिर संक्रमण के तथा इस संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में CBT का आयोजन संभव प्रतीत नहीं होता है। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहां पे समझ चुके होंगे, कोरोना वायरस 2019 महामारी जो है, इसका संक्रमण जो है यहाँ पे बढ़ रहा है और भारत सरकार द्वारा यहाँ पे मार्गदर्शन मीन्स यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे जारी हुआ है कि CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है यहाँ पे आयोजन यहाँ पे संभव नहीं हो सकता है और यहाँ पे जो है CBT एग्जाम यहाँ पे संभव प्रतीत नहीं हो पा रहा है। और देखिए, लिखा हुआ है फाइनली मीन्स फलस्वरूप यहाँ पे लिखा है फाइनल सिलेक्शन का आधार अभ्यर्थियों द्वारा GNM या फिर BSc नर्सिंग के अंतिम वर्ष के परीक्षा में उत्तीर्ण क्वालिफाइंग में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाने का निर्णय यहाँ पे लिया गया है। तो बिल्कुल जो भी कैंडिडेट्स जिनने अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है या फिर BSc नर्सिंग है या फिर GNM है, तो देखिए आप लोगों ने अंतिम वर्ष की मार्कशीट में जो भी आपके अंक थे तो आप लोगों ने जो यहाँ पे प्रोवाइड कराए थे, तो उसी आधार पर देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे मिल चुका है और कैंडिडेट्स को यहाँ पे सफल कर लिया है। तो देखिए, पहले देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होने वाला था, ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे होने वाला था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, कोरोना वायरस महामारी के चलते ये परीक्षा जो है आयोजित कराना अभी संभव नहीं है, इसलिए निर्णय यहाँ पे लिया गया है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है GNM की या फिर BSc नर्सिंग की, इसके अंतिम वर्ष की जो भी आप लोगों ने यहाँ पे अंक यहाँ पे प्राप्त किए लास्ट सेमेस्टर में, जो भी आप लोगों ने मार्क्स यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे प्राप्त किए, उसी आधार पे जो है लिस्ट यहाँ पे तैयार की गई है और यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्शन मिल चुका है। तो ये ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है, इस तरीके से जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनी है और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिल चुका है। वापस से वेबसाइट की ओर यहाँ पे बढ़ जाता हूँ और लिस्ट की ओर भी मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। दोस्तों, वापस से हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुके हैं और दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला नोटिस मैंने आपको यहाँ पे रीड करके बता दिया है। और दोस्तों, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखिए यहाँ पे रहेगी लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। और देखिए, जितने भी कैंडिडेट के नाम इस लिस्ट में है, आप सभी लोग को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे कराना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सीधे से मैं आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट की ओर यहाँ पर ले चलता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिस्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आएगी। तो दोस्तों, बिहार NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट हमने यहाँ पे ओपन कर ली है और ये सभी कैंडिडेट्स जिनके नाम इस लिस्ट में यहाँ पे शामिल हैं, आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे कराना होगा। वेरिफिकेशन का पूरा शेड्यूल वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग अपना नाम यहाँ पे सर्च कर लें और जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है, एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम जो भी है,
और यहाँ पे देखिए आपके फादर का नाम जो भी आपने यहाँ पे दर्ज कराया था फॉर्म फिल करते समय, और डेट ऑफ बर्थ और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, और सभी कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे मिल चुका है। और देखिए सबसे नीचे की तरफ मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, आखिरी का कैंडिडेट जो यहाँ पे रहेगा, तो आप सभी लोग को ये आइडिया मिल जाएगा कितने कैंडिडेट्स को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। तो देखिए 1459 कहने वाली बात है, 1459 कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे सिलेक्शन मिल चुका है, और ये सभी कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे कराएंगे। और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो भी है आपका यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है, और अलग से आपको कहीं नहीं जाना है, और आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे ओपन करनी है, यूज़र आईडी और जो भी आपका यहाँ पे पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे ओपन करना है, और डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ कुछ प्रोवाइड कराने हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स को मीन्स इग्नू का जो फॉर्म है और जो भी आपका श्योरिटी बॉन्ड है वो आप लोग को देखिए हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी यहाँ पे भेजना है। तो ये सारा जो है शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे कराना होगा। और दोस्तों ये जितने भी कैंडिडेट हैं 1:2 के रेशियो में यहाँ पे रखे गए हैं, और ये जानकारी भी मैंने आपको दी है, मीन्स एक सीट पे दो कैंडिडेट को जो है यहाँ पे सिलेक्शन मीन्स यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, और ये जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। तो ये सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है, उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, और कुछ ना कुछ जानकारी अगर आपको इस वीडियो से मिली है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों नोटिस और दोस्तों ये जो PDF है दोनों लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है, आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं और देख पा रहे हैं, हर एक जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी जानकारी जो आगे आने वाली है अब आपसे यहाँ पे ना छूटे, अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें, और बिहार NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हर एक अपडेट्स की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।